ओके, लास्ट वीडियो में हमने चार्जिंग बाय फ्रिक्शन पहला मेथड सीखा। अब हम लोग दूसरा मेथड सीखेंगे, किस तरीके से चार्ज किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट को, किसी बॉडी को। तो दूसरा मेथड मैं यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ। सेकंड मेथड है आपका चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब इसके बारे में हम पहले एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे, चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो बकेट आप ले लें, घर में सबसे आसान पड़ेगा आपके लिए बकेट ले लेना। दो बकेट आप ले लें, एक बकेट को थोड़ा कम फिल करें और एक बकेट को पूरा फिल कर दें, और दो होल करके एक कनेक्टिंग ट्यूब से जोड़ दें। तो आप देखेंगे कि भरी वाली बकेट से पानी निकल कर खाली वाली बकेट में जाता है, और तब तक जाता रहता है जब तक कि दोनों का लेवल सेम नहीं हो जाता। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज और बता दूं कि इस तरीके से जो वाटर का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांसफर होता है, उसके अंदर बकेट के वॉल्यूम से मतलब नहीं होता, बकेट के लेवल से मतलब होता है। ये एक मेथड है, जनरल मेथड है ट्रांसफर करने का। इसी के बारे में हम यहाँ पर, अब इसे हम चार्जिंग में कैसे लाएंगे, इस बात का डिस्कशन हम आपके साथ यहाँ पर करेंगे। तो पहले केस के अंदर हमने दो न्यूट्रल बॉडीज का इस्तेमाल किया था, इस बार हम न्यूट्रल बॉडीज का इस्तेमाल नहीं करने जा रहे हैं, इस बार हम दो चार्जिंग बॉडी ले रहे हैं। तो हम लिखते हैं कंसीडर टू पॉजिटिवली चार्ज बॉडीज। दो पॉजिटिवली चार्ज बॉडीज भी हमने ले ली, एक साहब बड़ा है थोड़ा सा इसके ऊपर, जाहिर सी बात है जितना बड़ा मुंह खोलोगे उतना बड़ा बाइट लोगे केक का। उसी तरीके से जितना ज्यादा सरफेस आप ओपन करोगे उतना ज्यादा चार्ज उसके पास आ सकता है। अभी हमने इसे मरी हुई बिल्ली की खाल पर रगड़ा है या कहीं से रगड़ कर इसे चार्ज किया है, ये यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर नहीं है। सब्जेक्ट मैटर ये है यहाँ पर कि हमने इन दो बॉडीज को किसी वे से पॉजिटिवली चार्ज कर रखा है। एक के पास कंपेरेटिवली पापा थोड़ा बारिश चल हो चार्ज गई। है और दूसरे के पास पापा ज्यादा। अब पापा नाउ कनेक्ट, पापा बारिश हो रही है। नाउ कनेक्ट टू चार्ज बॉडीज, टू चार्ज बॉडीज विद अ कनेक्टिंग वायर। अब हमने इसे कनेक्टिंग वायर से जोड़ दिया। अच्छा सा, तो जैसे बकेट से वाटर ट्रांसफर हुआ था और तब तक ट्रांसफर हुआ था जब तक कि दोनों के लेवल सेम नहीं हो गए, तो यहां क्या सेम होगा? अरे बाप रे, ये तो एक समस्या हो गई। नहीं, कोई समस्या नहीं, क्लास 10th में आपने पढ़ रखा है पोटेंशियल। तो यहां से प्लस चार्ज ट्रांसफर होगा और तब तक ट्रांसफर होता रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। चलो हम यहां पर मेंशन कर देते हैं कि पहले इसका पोटेंशियल V1 था, इसका पोटेंशियल V2 था। चार्ज के ट्रांसफर की डायरेक्शन यहां पर शो हो रही है। नाउ वायर इज रिमूव्ड, वायर इज रिमूव्ड। अच्छा साहब, वायर रिमूव्ड हो गया, वायर रिमूव्ड हो गया। तो अब इसके ऊपर इन दोनों फिगर के कंपैरिजन में थोड़ा सा चार्ज कम कर दीजिए, ठीक है, और इसमें थोड़ा सा चार्ज बढ़ा दीजिए। लेकिन अब यहां पर जो एक नोटेबल पॉइंट है वो ये कि दोनों का पोटेंशियल सेम हो चुका है। यहां देखिए, चार्ज सेम नहीं है। पहले जो हमने केस किया था उस केस के अंदर एक के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज आ रहा था उतना ही दूसरे पर निगेटिव चार्ज आ रहा था, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ द चार्ज पार्टिकल ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। यहां पर ये मैटर बिल्कुल भी नहीं करेगा, ठीक है। तो ये दूसरा मेथड हुआ चार्ज चार्जिंग करने का, कंडक्शन मेथड कहते हैं। अच्छा, मैं यहां पर एक बात और बता दूं, मैंने यहां पर लिया तो दो पॉजिटिव चार्ज बॉडीज को है, लेकिन अगर आप चाहें तो एक न्यूट्रल और एक पॉजिटिव को ले लेंगे, आप चाहें तो एक न्यूट्रल और एक नेगेटिव बॉडीज को भी चार्ज ले लेंगे, लेकिन अगर ने
निगेटिव और न्यूट्रल को लेंगे तो मैं यहां पर आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर न्यूट्रल बॉडी और निगेटिव चार्ज लिया गया है तो चार्ज निगेटिव बॉडी से न्यूट्रल पे नहीं ट्रांसफर होगा, न्यूट्रल बॉडी से निगेटिव पर ट्रांसफर होगा प्लस चार्ज, राइट। ओके हाँ, इलेक्ट्रॉन की चलने की डायरेक्शन बिल्कुल उल्टी हो जाएगी जैसा कि पॉजिटिव के चार्ज में है। ठीक है बच्चों, तो ये दूसरा मेथड था चार्जिंग बाई कंडक्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। नाउ द थर्ड मेथड। तो थर्ड मेथड के लिए भी पहले हम एक छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हम ये देखते हैं कि आप फर्ज कीजिए कि किचन में आप कुछ पका रहे हो, तो आप थोड़ा सा दूर भी अगर गैस स्टोव से खड़े होते हो तो आपको गर्मी लगती है। सूर्य देवता आपसे बहुत दूर है पर आपको गर्मी लग रही है। ठीक है, आप शेल्टर पे खड़े हो, शेल्टर के अंदर खड़े हो, सनलाइट आ रही है और आपको गर्मी लग रही है। ये एक फिजिक्स का चमत्कारिक फिनोमिना है जिसको हम इंडक्शन कहते हैं। इंडक्शन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम फिजिकल कॉन्टैक्ट के बिना ही प्रॉपर्टी को इंड्यूस कराते हैं, जैसे कि आशीर्वाद दिया जाता है। कभी कभी आशीर्वाद आपको तरक्की भी ले जाता है, कभी कभी वही आशीर्वाद आपको पास करा देता है। तो ये आशीर्वाद भी जो दिया जाता है वो इंडक्शन की तरह से ही दिया जाता है। यानी कहने का मतलब ये, इन नॉट शेल वी कैन से दैट विदाउट टचिंग एन ऑब्जेक्ट इफ वी इम्पार्ट अ फिजिकल प्रॉपर्टी देन इट विल नोन एज इंडक्शन। तो ठीक उसी तरीके से हम यहाँ पर इंडक्शन को भी अब एक्सप्लेन करेंगे, चार्जिंग बाई इंडक्शन। दिस इज द थर्ड मेथड, चार्जिंग बाई इंडक्शन। ठीक है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब आप देखेंगे एक चमत्कारिक फिनोमिना। मान लीजिए कि आपके पास एक न्यूट्रल स्फीयर है। अच्छा, न्यूट्रल का मतलब तो मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि न्यूट्रल का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि उनके पास कोई चार्ज नहीं। न्यूट्रल का मतलब होता है कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चार्जेस के नंबर्स बराबर हैं, इसलिए नेट सम जीरो है। ठीक, ये जो मैं क्रॉस लाइनें इसमें बना रहा हूं ये सिर्फ इसलिए कि ये इंसुलेटर है, यानी रबर मान लो, एक ऐसी रबर जो अपने अंदर से किसी चार्ज को जाने नहीं देगी। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर इसके पास प्लस 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 पांच और ऐसे ही हमने पांच माइनस के चार्ज रखे हुए हैं तो इन बेचारों को भागने के लिए कोई रास्ता, कोई सीढ़ी, कोई भी तरीका नहीं मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि अंदर से कोई बाहर ना आ सके, बाहर से कोई अंदर ना जा सके। ये गाना यहाँ पर बिल्कुल फिट है और ये बिल्कुल सही है। ठीक, तो ये एक आइसोलेटेड न्यूट्रल बॉडी है जिसको हमने एक रबर स्टैंड पे रखा हुआ है। चलिए मैं मेंशन कर देता हूं, ये एक रबर स्टैंड पर रखी हुई है जो कि इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगी। इंसुलेटर के बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में। ठीक है, और भी चर्चा करेंगे इसके बारे में जब हम एंड ऑफ द डे सिलेबस के होंगे, तो हम आपको बताएंगे कि इंसुलेटर भी, बहुत से लोग कहते हैं इंसुलेटर में इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स नहीं होते, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। अभी कैपेसिटर के चैप्टर में हम ये चमत्कारिक राज आपके सामने खोलेंगे कि इंसुलेटर भी किस तरीके से इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन फिलहाल यहां पर चार्जिंग बाय इंडक्शन का कॉन्सेप्ट है। चार्जिंग बाय इंडक्शन में अब आपने देख लिया कि एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है जिसको हमने एक इंसुलेटिंग स्टैंड पर रख रखा है। अब हमारे पास एक रॉड है, ग्लास की रॉड है। चलो एक चीज और मेंशन कर दूं, अगर आप इस ग्लास की रॉड को एक मरी हुई बिल्ली की खाल पर, जैसा कि विलियम गिलबर्ट साहब ने 1653 एडी में किया था, उन्होंने सबसे पहले एक ग्लास की रॉड को रगड़ा था, रब किया था मरी हुई बिल्ली की खाल पर, और उसकी वजह से ऐसा माना गया, क्योंकि चार्ज यार कैसे होता है बहुत फ्रैंकली स्पीकिंग, पॉजिटिव या निगेटिव, ये तो नेकेड आई से कोई आज तक बता ही नहीं पाया। फिर भी अब जैसा कि तमाम वर्ल्ड के टॉप क्लास के फिजिक्स राइटर्स लिखते हैं, वैसे ही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बेसिकली फ्रैंकली मैं बताऊं, मैंने भी ऐसा देखा नहीं है कि पॉजिटिव क्या है, निगेटिव क्या है। बस मैं ये जानता हूं और ये एक्सपेरिमेंट से भी वेरीफाई किया गया है कि दो टाइप के चार्ज होते हैं। तो चलिए फिलहाल हमने बिल्ली की खाल पर रगड़ा तो इसका बहुत ही सीधा सा एक्सप्लेनेशन है कि बिल्ली की खाल का वर्क फंक्शन जो है वो ग्लास की रॉड की वर्क फंक्शन से ज्यादा था, इसलिए उसने ग्लास की रॉड के निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स खींच लिए। और जब इलेक्ट्रॉन्स चले गए तो बाई द कन्वेंशन ऑफ बेंजामिन फ्रैंकलिन वी कैन फ्रैंकली से दैट कि रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो गई। अब इस पॉजिटिवली चार्ज रॉड को हम एक कांस्टेंट मोशन दे रहे हैं, इधर स्लोली मूविंग, राइट। अब ये रॉड
ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड जो है वो मूव कर रही है, पॉजिटिवली चार्ज रॉड। अब ये मूवमेंट में आ गई साहब, ठीक है, ये पहला फिगर बना। अब कुछ देर के बाद, चलिए इसी फिगर में हम आपके लिए दिखा देते हैं, ये रॉड अब यहां पहुंच रही है। जब ये रॉड यहां पहुंच रही है, ओहो, तो एक प्रॉपर्टी हमने आपसे ऑलरेडी मेंशन कर रखी है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो जब प्लस के सामने प्लस हेड ऑन आएगा तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में रिपल्सन। देखिए अभी मैंने टच नहीं कराया और मैं यहीं ले जाकर रोक भी देता हूं। व्हाइट बोर्ड ना होने की वजह से थोड़ा शॉर्ट में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं फिगर्स को। बहरहाल यही रॉड जो पहले यहां पर भी वेलोसिटी देता, यहां पर हमने इसे रोका है, लेकिन इस रोकने से होगा क्या, इस प्लस और इस प्लस के बीच में एक रिपल्सन होगा। क्या होगा? रिपल्सन। अब इस रिपल्सन का अंजाम क्या होगा, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ रिपल्सन, इसका इफेक्ट क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, बेचारे भागेंगे, क्योंकि आप रॉड को तो यहां से खसकाने वाले कहीं नहीं, आपने यहीं पे रॉड को लाकर रोक दिया है, तो अब इसके प्लस चार्ज की कहीं जाने की संभावना नहीं। तो ये जो आपका स्फीयर है, इस बेचारे के साथ क्या होगा, व्हाट विल बी हैपन टू दिस, इसके साथ क्या होगा बच्चों, यही समझना है ना? ठीक है, चलिए समझते हैं। तो जब प्लस से प्लस का रिपल्सन होगा तो बेचारे प्लस वाले सिकुड़ कर यहां पर आ जाएंगे और ये माइनस चार्ज का फैलाव हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको रोके रहिए यहीं पर, अभी भी आपने इसको रोक के रखा हुआ है, रोके रहिए आराम से, ठीक है, अभी इसको हम रोके रहे हैं। अच्छा, एक बात आपने ध्यान दिया, हमने रॉड को इस न्यूट्रल स्फीयर से टच नहीं कराया है। अब हमने यहां पर एक और चीज करने जा रहे हैं, हम क्या करने जा रहे हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक छोटा सा काम करेंगे। आपने अगर अपने घर के बाहर लगे हुए इलेक्ट्रिक पोल को देखा हो तो उस पोल से एक वायर आता है जो कि अर्थ के अंदर जाता है, इसे हम कहते हैं अर्थिंग। ताकि ये क्यों होता है बेटा, ये प्रैक्टिकल है, इसको जान लें, ताकि कोई भी बारिश वगैरह में एक्सेस ऑफ चार्ज जो हो वो अर्थ के अंदर चला जाए, पोल पे ना आने पाए, ताकि आपको शॉक ना लगे। तो इससे होगा क्या, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और यहां पर जो ये एक्यूमुलेटेड प्लस चार्ज हैं, एक एक करके इनको खत्म करते चले जाएंगे। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर अर्थ से स्फीयर में होगा और यहां पर माइनस चार्ज हो जाएंगे। अगले स्टेप में आप एक काम करिए, चुप्पे से रॉड को भी हटा लीजिए और ये वायर भी हटा लीजिए और देखिए आपको फाइनल फिगर में ये दिखाई देगा। आपको फाइनल फिगर के अंदर ये चीज दिखाई देगी कि आपने रॉड को भी हटा लिया और वायर को भी हटा लिया। अब ये ऑब्जेक्ट पूरी तरीके से नेगेटिवली चार्ज है, ठीक इस तरीके से इंडक्शन की मेथड से भी हम बॉडीज को चार्ज कर सकते हैं। आई होप यू नाउ इन द पोजिशन हाउ टू द बॉडीज चार्ज बाय द थ्री डिफरेंट मेथड्स। हम तीन डिफरेंट तरीकों से बॉडी को चार्ज कैसे कर सकते हैं ये आप अच्छे से जान गए होंगे। अच्छा, एक बात और बता दूं, मैंने यहां लिया तो पॉजिटिव का एग्जांपल है, लेकिन अगर आप चाहें तो सेम प्रोसीजर नेगेटिव के लिए अप्लाई करने होगा। अब इसके लिए आपको यही शीशे की रॉड है, इसको आप फिर से रगड़िए, लेकिन इस बार रगड़ने के लिए बिल्ली की खाल नहीं, रेशम का कपड़ा लीजिए। रेशम के कपड़े का वर्क फंक्शन रॉड के वर्क फंक्शन से कम होता है, इसलिए वो इस बार इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, रॉड नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। और अब जब आप न्यूट्रल बॉडीज इंसुलेटिंग स्टैंड पे रख के उसके सामने लाओगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि इस बार नेगेटिव नेगेटिव से रिपेल होगा। अब हम जब अर्थिंग करेंगे तो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल बॉडी से निकलकर अर्थ के अंदर चला जाएगा, यानी डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जस्ट गेट रिवर्स इफ यू वांट टू चार्ज द बॉडी पॉजिटिवली। ओके, नाउ दिस इज द थर्ड मेथड। द फोर्थ मेथड इज वेरी वेल नोन टू ऑल ऑफ यू आई होप इन द केमिस्ट्री, दैट इज द फोर्थ मेथड इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन हेयर दिस इफेक्ट बिकॉज इट विल वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड not beneficial in case of electrostatic, it will be more beneficial in case of modern physics when it will be come out as a chapter for you and a very important chapter for the 3 marks in ISC curriculum.
सो आई विल डिस्कस इट लेटर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये भी एक प्रोसीजर हो सकता है। ठीक, फिर हम आगे जाकर देखेंगे एक और प्रोसीजर, ये बहुत ही कॉमन है लेकिन लोग, थर्मियोनिक इमिशन, किसी भी मेटल को आप अच्छे से गर्म कीजिए, तो इलेक्ट्रॉनों को इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो अपने बाउंडेड पोजीशन को तोड़कर, बंधन को तोड़कर भाग जाएं और भागकर चले जाएं। तो अगर आप लाइट के माध्यम से कर रहे हैं, इफ यू आर डूइंग विद द इंसिडेंस ऑफ लाइट, देन इट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर आप गर्म करके कर रहे हैं तो इसे आप थर्मियोनिक इमिशन कहेंगे। और अगर आप हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके कर रहे हैं तो इसे फिर सेकेंडरी फील्ड इमिशन कहते हैं। और भी सारे मेथड्स हो सकते हैं चार्ज करने के बॉडी को, सेकेंडरी फील्ड इमिशन। तो ये कुछ कॉमन मेथड्स हैं जिनकी हमने यहाँ पर चर्चा आपके साथ की, और ये था चार्जिंग। तो बच्चों, आप ये तीसरी वीडियो के अंदर हमने आपको चार्ज क्या है, चार्ज के बारे में बताया, बॉडी को चार्ज कैसे किया जाता है ये आपके सामने मैंने रखा। अब हम चार्ज के बारे में कुछ और चर्चा करेंगे। तो मैंने बताया कि मैटर की दो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी होती है चार्ज। चार्ज है किसी ऑब्जेक्ट में, इस बात का सबूत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट से दिया जा सकता है। अब चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर की। मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होने के बाद अब चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज को हमें यहां डिस्कस करना है, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की चर्चा करेंगे। तो हमारी एक बड़ी हेडिंग पड़ेगी यहाँ पर, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। मुझे लगता है आप लोग थोड़ा थोड़ी थ्योरी से बोर हो गए होंगे, तो घबराइए मत। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पहले दो लेक्चर्स के अंदर थोड़ा सा थ्योरी ज्यादा होती है, हमें थोड़ा सा इसे बर्दाश्त करना होगा। उसके बाद अब इसके प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में ही आपको अच्छे न्यूमेरिकल्स दिखाऊंगा। उसके बाद फिर कूलम्स लॉ पे जब हम पहुंचेंगे, तब आपको कंप्लीट फिजिक्स न्यूमेरिकली फॉर्म में दिखाई देने लग जाएगी, डोंट वरी। ओके, तो सिर्फ आपको प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज बहुत ही सब्र के साथ, जैसे अभी तक आपने बर्दाश्त किया है, उसे बर्दाश्त करके सुन लीजिए प्लीज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज की प्रॉपर्टीज। ओके, अब थोड़ा लिखने का मन हमारा नहीं, अगर क्लासरूम होता तो हम क्लासरूम में ऐसे ही डिक्टेट करते हैं। हम आपके सामने डिक्टेट कर रहे हैं, आप लिखना शुरू कीजिए। चार्ज की पहली प्रॉपर्टी जो है, चार्ज की पहली प्रॉपर्टी आप लिखेंगे, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज क्या है बच्चों? एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, तो चार्ज की पहली प्रॉपर्टी क्या लिखी जाएगी? चार्ज इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। चार्ज एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक, इसकी दूसरी प्रॉपर्टी, एन ऑब्जेक्ट हैव मास विदाउट चार्ज। एक ऑब्जेक्ट के पास बिना चार्ज के मास हो सकता है। एन ऑब्जेक्ट हैव मास विदाउट चार्ज, बट एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट हैव चार्ज विदाउट मास। एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट हैव चार्ज विदाउट मास। ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दैट कंटेन इट। एनसीईआरटी की बुक में इसको थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में समझाया गया है। वो कहते हैं कि रिलेटिविस्टिकली इनवेरियंट है। अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक फेमस रिलेटिविटी का इक्वेशन है, उसका हवाला देते हैं कि m = m₀ √1 - v/c² का होल स्क्वायर। यहां पर v वेलोसिटी है चार्ज का, मास की, और c वेलोसिटी है लाइट की। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट की कंपेरेबल वेलोसिटी से चलना शुरू करे,
आइंस्टाइन के हाइपोथेसिस के हिसाब से उसका मास बढ़ने लगता है, तो क्या चार्ज के साथ भी ऐसा हो सकता है? नहीं, चार्ज के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसी टेक्निकल लाइन को मैंने बहुत ही सिंपल वे में लिखने की कोशिश की है कि चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दैट कंटेन इट, यानी चार्ज वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता। तो ये चीज की तीसरी प्रॉपर्टी, मैं इसको आपको एक क्लोजर लुक दे रहा हूं ताकि आप वीडियो पॉज करके आराम से ये प्रॉपर्टीज नोट कर लें, कोई जल्दी की बात नहीं है। ठीक है, ये आप तीन प्रॉपर्टीज चार्ज की हो गई। ओके,